बहुत ज्यादा काला हो गया है अगर आपका प्राइवेट पार्ट, तो आप इस क्रीम को लगा करके अपने प्राइवेट पार्ट को 6 से 7 दिन में साफ कर सकते हैं। आपको इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स की जरूरत पड़ेगी और कैसे बनाना है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने वैसलीन लिया है। अगर आपके पास और भी कोई कलर की वैसलीन है तो आप वो भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पे मेरे पास ट्रांसपेरेंट है तो मैं ट्रांसपेरेंट यूज कर रही हूँ। अब आपको क्या करना है ना, आपको 1 चम्मच के करीब वैसलीन लेनी है। आप देख लीजिए टीस्पून है, आपको 1 चम्मच के करीब वैसलीन ले लीजिए। अब इस वैसलीन को आप कैसे बनाएंगे अब ये जानते हैं। इसके बाद आपको एक कढ़ाई लेनी है। आप देख लीजिए मैंने यहाँ पे एक कढ़ाई ली है और इसमें 1/2 से 1/4 ग्लास के करीब पानी ऐड कर दिया है। जैसे डबल बॉयलर करते हैं ना, वैसे ही आपको डबल बॉयलर करना है इस वैसलीन को, और इस वैसलीन को इसमें रख दीजिए और कम से कम 1/2 मिनट तक, 30 से 40 सेकंड तक आपको इसको अच्छे से डबल बॉयल करना है ताकि जो वैसलीन है बिल्कुल पिघल करके तैयार हो जाए। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो वैसलीन है पिघलना शुरू हो गई है, 20 से 30 सेकंड में ना ये पिघल जाएगी पूरी और पूरी पानी के फॉर्म में आ जाएगी। तो आप इसको पिघला दीजिए। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं, इसको स्टोर करके बिल्कुल ना रखें, जब भी यूज करें फ्रेश ही आपको यूज करना है और आपको 7 दिन में केवल 3 दिन इस क्रीम का यूज करना है। बहुत इफेक्टिव है और स्किन वाइटनिंग और स्किन लाइटनिंग के लिए बहुत अच्छी ये क्रीम है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बिल्कुल पानी बन गया है इस वैसलीन का। अब आपको क्या करना है, इस कटोरी को बाहर निकाल लेना है। सो आप देख सकते हैं ये बिल्कुल पिघल के तैयार हो गई है। अब हम इसमें ऐड करेंगे टर्मरिक यानी कि हल्दी। हल्दी आपको घर की पिसी है तो आप वो यूज कर सकते हैं, अगर बाजार की पिसी है तो वो भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पे मैं 1/4 चम्मच के करीब हल्दी इसमें ऐड करूंगी। हल्दी में एंटी बैक्टीरियल और एंटी इन्फ्लेमेटरी गुड होते हैं जो हमारे स्किन लाइटनिंग और स्किन ब्राइटनिंग का काम करते हैं। इसके साथ ही क्या होता है ना, हमारे जो प्राइवेट पार्ट है ना वो पसीने की वजह से बहुत ज्यादा काले हो जाते हैं। इसके साथ ही हम यूज करेंगे यहाँ पे लेमन। लेमन आपको पूरा यूज नहीं करना है, अगर आपकी बहुत ज्यादा सेंसिटिव स्किन है तो आप लेमन की कुछ ही बूंदें इसमें ऐड करें। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगी, इस लेमन में जो बीज है उसको अलग कर दूंगी और सिर्फ रसी रस इसमें ऐड करूंगी। तो यहाँ पे मैं केवल 1/2 चम्मच के करीब लेमन ऐड कर रही हूं और जो इसका बीजा था वो मैंने इसमें अलग कर दिया। इसको कर दीजिए अच्छे से मिक्स। अब तो इसको अच्छे से मिलाने के बाद आपको क्या करना है, आपको नहाने के टाइम पे इसको यूज करना है। जब भी आप सुबह नहाने के लिए जाएंगे तो आपको अपने प्राइवेट पार्ट पे इसको अप्लाई करना है। कैसे अप्लाई करेंगे, इसको लीजिए और अपने प्राइवेट पार्ट पे ऐसे सर्कुलर मोशन में इसको अप्लाई करना है। आपको कम से कम 20 से 25 मिनट के लिए इसको लगा छोड़ देना है। मसाज करने के बाद आपको 1 से 1.5 मिनट मसाज करनी है। मसाज करने के बाद 20 से 25 मिनट के लिए इसको लगा छोड़ दें, ठीक है। इससे क्या होगा ना, आपके जो प्राइवेट पार्ट की जो डेड स्किन और डेड सेल्स होंगे ना वो इसके सहारे निकल जाएंगे जब आप नहाने के लिए जाएंगे। तो कोशिश करें इसको ज्यादा देर तक के लिए अपने प्राइवेट पार्ट और इंटीमेट एरिया पे लगा रहने दें ताकि आपको जल्दी फायदा मिले और आपकी स्किन वहां की साफ हो जाए। इसके साथ ही ये बहुत अच्छी है अगर आपकी नेक बहुत ज्यादा काली है या फिर अगर आपकी नी बहुत ज्यादा काली है, एंकल्स बहुत ज्यादा काले हैं, तो आप वहां पर भी इसको यूज कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा बहुत छोटा सा उपाय, जरूर करके देख लें। अगर आपको हमारी रेमेडी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ऐसी ही रेमेडी आपके लिए लेकर आते रहेंगे। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बाय बाय, थैंक यू।